National President of BJP's Mahila Morcha, Vijaya Rahatkar, held a meeting with the state's BJP Mahila Morcha on Monday. Addressing a press conference, she said that the party is distressed over the atrocities faced by women in India. She also informed that the government will be introducing the triple talaq as well as the halala scrapping bill in the upcoming parliament session. भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा पूरे देश भर में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और बूथ तक हर जगह पर हमारी महिलाएं काम कर रही है। केंद्र में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और यहाँ पर गोवा में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके लिए मुझे बात करनी है। जो केंद्र की और राज्य की हमारी सफलतापूर्वक जो बनाई गई योजनाएं हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या उसी के साथ साथ केंद्र की स्किल डेवलपमेंट की योजना हो, विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ मुद्रा योजना, जिसके माध्यम से 75% महिलाओं को लोन मिल चुका है। 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को आज तक लोन मिला है। और वैसे ही केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऐसी योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से हमारी सरकार ने बनाई हैं। तो हमने मातृत्व सुरक्षा की जो योजना बनाई है, गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण और न्यूट्रिशन के लिए 6,000 रुपया दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने और एक योजना का निर्माण किया है, जो बिल आया था 12 हफ्तों की जो मातृत्व अवकाश की जो अर्जित रजा उनको मिलती थी, लीव मिलती थी, अब वो 26 हफ्तों की कर दी है। और उसके साथ साथ केंद्र ने ट्रिपल तलाक के लिए जो बहुत बड़े कदम उठाया है और ट्रिपल तलाक को अवैध माना गया है, आज वो बिल एक सदन में तो हो गया, दूसरे सदन में भी होने जा रहा है। और उसी के साथ साथ अभी अभी कुछ दिन पहले केंद्र ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समाज में जो हलाला की जो बहुत ही खराब कुप्रथा है, उसके लिए केंद्र सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध करेगी। ऐसे अनेक अनेक निर्णय केंद्र की सरकार ने किए हैं। वैसी ही बात गोवा की सरकार की है। गोवा की सरकार ने अनेक अनेक योजनाओं का अच्छा निर्माण किया है। लाडली लक्ष्मी योजना है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य की योजना है, महिलाओं को जो गृह भत्ता मिलता है 1,500 रुपये का, ऐसी अनेक अनेक योजनाओं का निर्माण हमने किया है। नक्कीच ज्या पद्धतीने महिलांवर अत्याचार होतात, त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांनाच खूप त्रास होतो आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण सगळे पण चिंतित आहोत। हे अशा प्रकारचे अत्याचार बंद झाले पाहिजेच, अशाच मताचे आम्ही सगळेजण आहोत। पण नुसतं आमचं मत नाही, तर आम्ही त्याच्याकरता प्रयत्न पण करतो आहोत। आत्ताच केंद्रानं या विषयामध्ये अतिशय उत्तम कायदा जो आहे, पोक्सो जो कायदा आहे, त्या कायद्यामध्ये मोठे बदलाव केलेले आहेत। हे जे बदल झालेले आहेत, हे बदल महिलांवरचे आणि मायनर गर्ल्सवरचे जे अत्याचार होत आहेत, ते अत्याचार रोखण्याकरता अत्यंत प्रभावशाली असे या कायद्यामधले बदल आहेत। मला खात्री आहे की येणाऱ्या काळामध्ये हे जे बदल आहेत, हे बदल लोकांना धाक निर्माण करण्याकरता अतिशय उत्तम काम करतील आणि त्या दिशेनं केंद्र सरकार वाटचाल करत आहे। जर देशामध्ये जर कोणत्या पक्षाने सर्वाधिक महिलांना जर तिकीट दिलं असेल, तर ते भारतीय जनता पार्टीनं दिलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टी ही अशी पार्टी की ज्या पार्टीमध्ये अंतर्गत महिलांच्या करता आरक्षण आहे आणि आमच्या आज पदावर पार्टीच्या अंतर्गत जे पद आहेत, त्या पदामध्ये 33% महिला उत्तमपणे काम करतात आणि त्यांचा निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग आहे। देशामध्ये पण आम्ही हा प्रयत्न करतो आहोत। आता महिलांचा सहभाग राजकारणामध्ये होतो आहे, त्या काम करता आहेत आणि ही सहभागिता आम्ही अधिकाधिक पद्धतीने कशी वाढवू शकू यावर पण आम्ही विचार करतो आहोत। पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये महिलांच्या करता विचार होईलच, तो होतोच आहे, उत्तमपणे आम्ही संधी देतो पण आहोत।